फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने चाइना की कुछ ऐप्स को बैन कर दिया है, जैसे कि जेंडर, शेयर इट और कैम स्कैनर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको शेयर इट और जेंडर की अल्टरनेट ऐप्स के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैम स्कैनर की अल्टरनेट ऐप के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष भारद्वाज अपने चैनल पेन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक करें और यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको शेयर इट और जेंडर की अल्टरनेट ऐप्स के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैम स्कैनर की अल्टरनेट ऐप के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज हम एक एप्लीकेशन ऑफिस लेंस के बारे में बात करेंगे। ये कैम स्कैनर का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है और आपके बहुत काम आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिस लेंस को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन जो कि व्हाइट बोर्ड है, दूसरा डॉक्यूमेंट है, तीसरा बिजनेस कार्ड है, चौथा फोटो है। मतलब कि इस एप्लीकेशन के थ्रू हम काफी चीजों को स्कैन कर सकते हैं और मल्टीपल इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके देखते हैं और देखते हैं कि हम उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करते हैं और स्कैन होने के बाद में हम उसे और क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं। तो चलिए अभी मैं इसे स्कैन करके देख लेते हैं। नीचे ये बटन आपको दिखाई दे रहा है कैमरे वाला, तो इसे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए लाल लाइन आ रही है बारी बारी। अब देखिए इसने इसको स्कैन कर लिया है। तो ये देखिए इसने इसको स्कैन कर लिया है। अब देखिए ऊपर की तरफ आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन डिलीट का है, दूसरा ऑप्शन क्रॉप का है, तीसरा ऑप्शन रोटेट का है। तो रोटेट वाले के जैसे इसमें हमें रोटेट करना है, तो हम इसको ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, हमारे सामने आ गया। और चौथा जो ऑप्शन है वो यहाँ से डायरेक्ट आप व्हाइट बोर्ड या बिजनेस कार्ड या फोटो में जा सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का, तो इसके ऊपर कुछ भी आप लिखना चाहें, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ मार्क करना चाहें, कुछ पेंसिल से भी कुछ मार्क करना चाहें किसी भी कलर में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ भी मार्क करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं कोई। और एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है आपको, ये अंडू का ऑप्शन है, तो आप कुछ अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमें कोई और डॉक्यूमेंट स्कैन करना है इसी सीरीज का, तो ये देखिए नीचे आपको ये ऐड न्यू बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम क्लिक करेंगे और जैसा हमने पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन किया था वैसे इसको भी हम यहाँ से ये क्लिक वाले बटन को प्रेस करके हम इसको भी स्कैन कर लेंगे। तो देखिए ये स्कैन हो गया है, यहाँ से हम कन्फर्म कर देंगे। अब देखिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट स्कैन हो गए हैं, पहला और ये दूसरा। तो जब आपको लग रहा है कि हमारा काम अब स्कैनिंग का पूरा हो चुका है, तो यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप इसे गैलरी में एज ए फोटो सेव कर सकते हैं, इमेज सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, या वर्ल्ड ओसीआर डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको वर्ल्ड में और पीडीएफ दोनों में सेव भी एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर सेव का बटन दबा दें। तो ये देखिए ऊपर वेटिंग फॉर ट्रांसफर आ रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये वर्ड में हो गया और ये वर्ड में इसको ओपन करके देखते हैं हम। अभी दूसरा पेज है देखिए। मान लीजिए हमें ये जो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन किया है इसे हम एक्सेल के अंदर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन को हमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। सिंपली इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को आपको यहाँ से खोल लेना है। खोलने के बाद आप देखिए
ओपन करेंगे और नई कोई ब्लैंक एक्सेल खोल लेंगे। खोलने के बाद आप ये नीचे देखिए आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद देखिए ये फिफ्थ ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो इसमें कुछ कैमरे जैसा दिख रहा है आपको, इसे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वही सेम अपना हमारा जो ऑफिस लेंस है वो खुल जाएगा और बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमने स्कैन किया था। अब मैं आपको इसे स्कैन करके दिखाता हूं। तो चलिए अभी मैं इसे स्कैन करके देख लेते हैं। नीचे ये बटन आपको दिखाई दे रहा है कैमरे वाला, तो उसे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसने इसको स्कैन कर लिया है और एक्सेल के अंदर इसे अब ये ओपन कर देगा। देखिए इसने कितनी शानदार तरीके से इसने इसको एक्सेल में ओपन कर लिया है। और यहाँ से हम चाहें तो इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप जान ही चुके हैं कि ऑफिस लेंस को यूज करना कितना इजी है और कितना नीट एंड क्लीन इसका इंटरफेस है और कितना पावरफुल है और ऑर्गेनाइज्ड है, और इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।